हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी मॉर्निंग किचन से, और किचन में बच्चों के टिफ़िन पैक करने से। और मैंने आज बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। बच्चों को ना अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी, तो बस मैंने आज वो बनाया हुआ है। और बच्चों ने ना अभी चाय के संग पराठे खा लिए थे नमकीन, तो टिफ़िन में मैंने रोटी और सब्ज़ी रख दी है। और उसके बाद बस मेरा ये किचन का काम है ना, जो बच्चों का मतलब टिफ़िन वाला, वो तो हो गया है। और मैंने जो है नहा धो भी दिया है, नहाने के बाद मैं सीधे किचन में ही आई थी। उसके बाद जो है क्लीनिंग वगैरह का काम होगा मेरा सारा, अभी क्लीनिंग सब वैसे ही रह गई है, और जब बच्चे चले आएंगे तब होगा। तो बस यहाँ पर बच्चों का लास्ट है, जो शूज़ वगैरह पहनाने लग गई हूँ, और अब बनाऊँगी इनकी चुटिया बस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अब हम हो चुके हैं स्कूल के लिए रेडी, तो फिर हम जा रहे हैं स्कूल, उसके बाद आने के बाद आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा आज ना बच्चों के लिए लंच में बना लेते हैं राजमा चावल। बच्चे क्या सभी खाएंगे, तो बस इनको मैंने धो लिया है। मैंने ना ये रात से नहीं भिगा रखी थी राजमा, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मुझसे ओम ने कहा था कि कल मुझे राजमा चावल ही खाने हैं और बाकी और मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो यार, अब राजमा ऐसा करती हूँ, धो के अभी कुकर में अगर मैं रख दूँगी, अभी करीब टाइम हो रहा है 10:30, मेरे कपड़े धोने तक ये बॉयल हो जाएंगे। तो बस मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया है इनको धोने के बाद, और इसको हीटर में रख दिया है, ये आराम से बॉयल हो जाएंगे 1 घंटा करीब। हाँ, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक भी आराम से बॉयल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं इसकी जो है ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो उसके बाद जब मैं किचन में आई ना कपड़े वपड़े धोने के बाद, तो मेरे राजमा अच्छे से बॉयल हो चुके थे, तो मैंने इसको एक डोने में ट्रांसफ़र कर लिया था राजमा को। और उसके बाद चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, क्योंकि थोड़ा चावल पहले से बने हो ना कुकर में तो थोड़ा ठीक रहता है, ठंडी भी हो जाते हैं तो ठीक रहता है, उसकी भाप वाप निकल जाती है। तो बस मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो मेरा लास्ट अब यहाँ पे जो है इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। और बच्चों के आने तक, 1:30 बजे तक बच्चे आते हैं, तो 1:30 बजे तक जो है मेरा राजमा चावल रेडी हो जाएगा। तो बस इस तरीके से जो है ना, मैंने थोड़ा राजमा बॉईल करने में नमक डाला था, थोड़ा सा मैंने अभी जो है ग्रेवी में डाल दिया है, तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो राजमा चावल ना सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बच्चे ने और चीज़ खाने में ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो जब राजमा चावल बनाया ना तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी ग्रेवी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। उसके बाद जब ये ग्रेवी ना इस स्टेज में पहुँच जाती है, इसमें थोड़ा सा घी डाल देना चाहिए, तो उससे और ज़्यादा इसका जो टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये घी भी डाल दिया है इसमें, और अब जो राजमा है, जो मैं राजमा डाल दूँगी। तो ये चावल के संग मुझे खाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं बनाऊँगी, इसकी जो है इसमें रस वाला ही बनाऊँगी इसको। तो इस तरीके से राजमा ये डाल दिया है, तो चावल की रोटी के संग खाने की तो इतनी गाढ़ी ठीक रहती है, लेकिन चावल के संग थोड़ा पतली चाहिए होती है। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, अब तक ये अभी कभी करीब 1/2 घंटा ये और पक जाएंगे। तो बस हो गया, यहाँ पे जो है ना मेरा ये तैयार हो गया, इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी और सब। उसके बाद जब ये बन गया था, तो मैंने सारा किचन फिर से क्लीन कर दिया, क्योंकि जब ग्रेवी को बनाते हैं तो थोड़े छींटे से आ जाते हैं, हालांकि मैं इसमें ढक्कन रखती रहती हूँ उसके बाद भी। तो बस मैं उसके बाद सारा गैस और टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दूँगी और इसको साइड रख दूंगी। तो बस यहाँ पर जो है खाना मेरा तैयार हो गया है, और बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों की जो है थाली ना मैंने तैयार कर दी है खाने की। और देखो आज हर्षी इतना सारा चावल खाएगी, राजमा चावल। तो फिर अब जो ना बच्चे हैं स्कूल से आ गए हैं, और आने के बाद इन्होंने खाना वगैरह भी खा लिया है। तो उसके बाद मानू आ गए हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में, अपना जो है म्यूजिक का वो रियाज कर रही है, थोड़ी देर वो करती है रियाज, उसके बाद उसे फिर ट्यूशन और म्यूजिक क्लास जाना होता है। तो थोड़ी सी झलक आपको भी दिखाते हैं कि मानू कैसा गा रही है। तो देखिए करीब हो रहा है अभी 6:30 का समय हो रहा है शाम का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का मौसम, सुबह तो काफ़ी तेज़ धूप थी और शाम के टाइम देखिए अभी ऐसे बादल भी आ रखे हैं इस तरीके। ओम खाली गिर जाएगा हाँ, ये देखिए, और बारिश भी नहीं हुई है, पता नहीं बारिश होती है या कहीं पर तो हो रही है, देखिए उधर तो बादल बन रहे हैं बारिश की, और इस तरीके का मौसम हो रहा है। अभी थोड़ा ठंडी हवा चल रही है,
और फिर देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। इस तरीके का है यहाँ का मौसम अभी शाम के टाइम। बच्चे देखिए ऊपर बैठे हैं, यहाँ सिंटेक्स के ऊपर, ओम ओम सिंटेक्स के ऊपर बैठा हुआ है। बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी, तो हम देखते हैं अभी आगे। और तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है ना रात का खाना तैयार हो गया है। तो उसे बनाई मैंने करेले की ये सब्जी, इस तरीके से बनाई है, काफ़ी टेस्टी होती है। और ये सुबह ना नाश्ते की भिंडी बची हुई थी और ये दिन का कद्दू, तो इस तरीके से सब्जियाँ काफ़ी बची हुई थी, तो मैंने सिर्फ करेले की सब्जी बना ली थी अभी, और हो गया दही। तो और देखिए थोड़ी सुबह की ना रोटियाँ भी थी, तो पता मैं क्या करती हूँ इस तरीके से ना रोटियों में घी लगा लेती हूँ, और फिर वो खाने में ना काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो सुबह की ये नाश्ते की रोटी बची हुई है, तो मैंने जो है ना खाना ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ, खा ही लेती हूँ लगभग। तो बस इस तरीके से मैंने इसे घी लगा के पराठा सा बना लिया, तो बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये मेरी खाने की प्लेट ना तैयार हो गई, बाकी सब लोगों ने खा लिया है, तो बस अब मैं खाती हूँ और उसके बाद। तो दोस्तों देखिए हमारा खाना पीना सब हो गया है, तो मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।